मैंने गलती से जूस पी लिया, फिर फेंक गया है गलती से। मैं निकल रही हूँ और कर्टन वाला बिल्कुल सही टाइम पे आया है। नहीं नहीं सब है यहाँ पे। हमने ये कलर लिया है और नेट कौन सा था हमारा, जिनको भी अपने कर्टन्स बनाने, होम सर्विस अवेलेबल है दानिश साहब की। मैं नंबर व्हाट्सएप का इनका दे दूँगी। आपकी शॉप का नाम क्या था, माय डेकोर ना, रूम डेकोर, रूम। हाँ तो यहाँ पे अब हमारे लाउंज के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे गिफ्ट्स हो गए सामान के साथ। वो शिंदी भी पसंद कर रही है घर के कर्टन्स। और आज है मेरा डिनर फाइनली, वो जो उस वक्त से पेंडिंग था कैंसिल हो रहा था, आज फाइनली हो गया। अभी भी खैर फाइनली नहीं कह सकते, यू नेवर नो, कैंसिल भी हो सकता है। खैर एनीवेज मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई तो मैं आपसे मिलती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारा बन रहा है रोल समोसे एयर फ्रायर के अंदर, ये बर्गर बन रहा है, ये मैंने नए मंगवा लिए। और ये मैंने इसको टमाटर प्याज और हल्की सी नमक और काली मिर्च के इसको मैं थोड़ा सा कैरामलाइज करूँगी। और ये है हमारा बर्गर पैटीज जो बीफ के, और ये लेग पीस आज, और कोल्ड सैंडविच है वो फ्रिज में रखे हुए, थोड़ा सा हीट होता है और आज इतनी कम मैंने की हुई है क्योंकि गैस कम आ रही है। तो बस इसको बनाते हैं, इसको पहले कैरामलाइज करेंगे और ये वाले बर्गर हम निकालती हूँ तो, और चीज़ में फ्रिज से लगाते हैं। उतने में मैं जल्दी से सॉस बनाती हूँ। सॉस के लिए ये मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस, सोया सॉस, वर्स्टर सॉस और नमक, काली मिर्च एंड कुटी हुई लाल मिर्च एज वेल। तो जल्दी से सब करते हैं, तो मिलते हैं। मुझे अफ्तार सारी प्रेप हो गई है, 10 मिनट बस रह गए हैं, 10 मिनट से भी कम। तो ये है आज का मेन्यू और कोल्ड सैंडविचेस फ्रिज में हैं तो कोल्ड सैंडविचेस निकालें। दिस इज द कोल्ड सैंडविचेस, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये ऐसे ये देखें एंड मिस्टर बाबा जो है अपनी शिमी को बुला रहे हैं। एनीवेज ये मैं टेबल सेट कर ली, जूस एंड टाइम पे निकालूंगी, वजू करती हूँ और आके फिर बैठती हूँ अपने टेबल पे। वेरी वेरी यम अफ्तारी टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा ने गलती से जूस पी लिया और फिर फेंक गया है गलती से। रेडी टू गो। मैं कर्टन्स वाला कभी वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो मैं उसको मैं देख के ही निकलूँ, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी तक नहीं आया तो डिनर के लिए लेट हो रहा है। और मैं कुछ ऐसी सुशील तमीज़ वाली बच्ची बन रही हूँ। कितना अच्छा ये ड्रेस लग रहा है। इसके साथ ना ब्लू ट्राउज़र था बट वो थोड़ा सा फैंसी सा था तो मैंने इसको वाइट दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र के साथ विद कंट्रास्ट विद दिस सिल्वर स्लीपर्स एंड दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। अच्छी लग रही। चल एनीवेज चलते हैं और आपसे मिलते हैं जहाँ पे भी जाएंगे डिनर पे वहाँ पे। और यस दैट्स द प्लान। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, यही प्लान है कि मुझे नहीं पता होना चाहिए। और ये बड़ा गुड हो गया कि कर्टन्स वाले मेरे सामने ही आ गया। मैं ज़रा देखती भी रहूँगी जो मुझे जैसे सेटिंग करवानी है कर्टन्स की, तो वो सब अपने आंखों के सामने अपनी मौजूदगी में हो जाएगा। लग गया लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मैं निकल रही हूँ और कर्टन वाला बिल्कुल सही टाइम पर आया है। तो बस जल्दी से वॉशरूम जाऊँ और फिर भागूँ। सी यू। नहीं नहीं सब क्या हवा चल रही है यार, घोड़े नहीं मिलेगा। आई एम होम अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब चेंज करूंगी और नमाज और सब सहरी का तो इंतजाम में करके गई थी, सो कोई काम नहीं करना सिर्फ अब बाबर को खाना देना, क्योंकि बाबर साहब को जब तक प्लेट पे रख के ना तो वो नहीं खाते। बस चेंज करते हैं, मूड होते हैं, बाबर को खाना देते हैं और फिर बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने अपने कर्टन्स का फाइनल लुक नहीं दिखाया था, सो नाउ दिस इज द फाइनल लुक। दिस इज फाइनल एंड ब्यूटीफुल व्यू। तो ये
इसके साथ कंट्रास्ट भी हो रहा है और उसके साथ भी माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी देख रहे हैं सब माशाल्लाह बोल रहे हैं। हमारा लॉन्च हो गया कंप्लीट, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी थोड़ा सा लॉन्च टूर करके ना, ताकि एक एक चीज़ डिटेल में देखा। वैसे तो दिखाई रही थी साथ साथ, बट यू नो सिनेमैटिक मोड में पूरा कूल करके। बोलिए वो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लुक लग रहा है। यार मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर लेनी चाहिए थी, वो मैंने ली नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग्स में होगी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा लुक आता था तो, बट खैर मैं सो गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।